अजमेर शहर के समस्त बासिंदों वासियों को और अजमेर जिले के समस्त वासियों को एसपी साहब की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और हम चूंकि पुलिस के जवान हैं, छुट्टियां दीपावली घर अजमेर की सबसे बड़ी टाउनशिप व अजमेर शहर की प्राइम लोकेशन पर अपेक्षा ग्रुप आपके लिए लाया है एडीए से अप्रूव प्लॉट्स व विला, जहां आपको मिलेगी 80% तक की लोन सुविधाएं। अब आप अपने ही बजट में खरीद पाएंगे प्लॉट्स और शानदार विला, जिसमें आपको उपलब्ध करवाई जाएगी सभी प्रकार की सुविधाएं। तो देर किस बात की, आज ही अपने सपनों का प्लॉट्स और विला खरीदने के लिए संपर्क करें सत्यनारायण धाकर 9672265558, अपेक्षा सिटी चाचावास पुष्कर बाईपास अजमेर। देखिए, सबसे पहले तो मैं दीपावली के पावन पर्व पर अजमेर शहर के समस्त बासिंदों वासियों को और अजमेर जिले के समस्त वासियों को एसपी साहब की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और हम चूंकि पुलिस के जवान हैं, छुट्टियां दीपावली घरों पे नहीं मनाते, हम तो ड्यूटी देते हैं। अतः हमारे पुलिस का हमने माकूल इंतजाम जिला स्तर पर और शहर स्तर पर किया है। इसके लिए हमने 2 एडिशनल साहिबान, 8 DYSP साहिबान, 17 इंस्पेक्टर, 9 सब इंस्पेक्टर, 13 ASI और 400 हेड कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल मिला के इस तरह हमने 500 से अधिक का जाप्ता अलग अलग स्थानों पर डिप्लॉय किया है। उन जाप्ते के द्वारा हम पूरी तरह से निगरानी रखेंगे और इस तरह इसको करके हमने कुछ फिक्स पिकेट्स बनाए हैं। इसके अलावा जैसे ये करके हमने फिक्स पिकेट बनाए हैं, उसमें जैसे कोतवाली थाना क्षेत्र में महेश मेडिकल वगैरह 7 पॉइंट पे, सिविल लाइन में 3 स्थानों पे, क्रिश्चनगंज थाना क्षेत्र में 3 क्षेत्रों पे, क्लॉक टावर में 2, रामगंज में 2, अलवर गेट में 3, आदर्श नगर में 2, इस तरह से हमने फिक्स पिकेट ली है। उस पर 24 घंटे जाप्ता रहेगा, वो आने जाने वालों को चेक करेगा ताकि कोई शराब पीकर वाहन नहीं चलाएं और किसी तरह की बदमाशी नहीं हो और शहरवासी संपूर्ण दीपावली का आनंद अच्छी तरह से प्राप्त करें। इसके अलावा भी हमने हथियारबंद जाप्ते को अलग से ड्यूटी लगाई है, जो पैदल हथियार लेकर के घर अपने अपने क्षेत्र में करते रहेंगे। इसके अलावा हाँ पर मैं हाँ हमारा मैं बता रहा हूँ अभी सुनिए, अब ये कमांड सेंटर पर कैमरे चालू रहेंगे, शहर में कहीं भी कोई बदमाशी होगी तो उसके लिए हमारी टीमें रहेगी, हथियारबंद केदल कस्ट रहेगी, घुड़सवार रहेंगे। इसके अलावा भी हमने प्रत्येक थाना क्षेत्र में 2 या 3 मोटरसाइकिल राइडर जो हैंडसेट और वायरलेस के साथ रहेंगे, ताकि क्विक रेस्पॉन्स के लिए कहीं भी जाना हो हर क्षेत्र में 2 रहेगी, जो थानाधिकारी अथवा पब्लिक मैन अथवा क्लॉक टावर या अभय कमांड सेंटर के आधार पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करेंगे। यातायात व्यवस्था के लिए माकूल एवं इंतजाम किए गए हैं, हमारे DYSP और जो CI साहब है नरपत जी CI साहब, उनके नेतृत्व में संपूर्ण जाप्ते को प्रभारी लगाया गया है। इसके अलावा वैसे हमने अखबार में भी दे दिया है और अलग से हमने पार्किंग स्थल तय किए हैं, वहीं पे लोग पार्किंग करके और आगे जाएंगे। वो पार्किंग स्थल में आपको बता दूं, सूचना केंद्र है, ऋषि घाटी है, इधर इंडिया मोटर्स है, अजंता सिनेमा है, गवर्नमेंट कॉलेज का चौराया है, गौशाला का आशागंज है, ट्रॉम्बे स्टेशन है, सीताराम बाजार है, पुरानी बकरा मंडी है। इस तरह से हमने पार्किंग स्थल बनाए हैं ताकि वहीं पे लोग अपने वाहन करें और पैदल पार्किंग क्योंकि परचेजिंग के लिए लोग जाएंगे और दीपावली का आनंद लेंगे, तो उसके लिए उन फिक्स पैकेट पे रहेंगे। उसके लिए हमने यातायात व्यवस्था को माकूल इंतजाम किए हैं, कैमरों का इंतजाम किया है, हथियारबंद इंतजाम किए हैं। धन्यवाद। उन्हें दीपावली को देखते हुए बाजारों में भी काफी भीड़ है, तो इसी के लिए हमने ये जो आपको मैंने अभी जाप्ते के बारे में बताया है, ये जाप्ता इसी के लिए लगाया है कि असामाजिक तत्व, अवांछनीय तत्व जो समाज कंटक है, उन लोगों पर निगरानी रखी जा सके, उन पर विधि की कार्रवाई की जा सके, शराब पर आपी के वाहन चलाने वाले, बदमाशी करते हुए उड़दन करने वाले लोगों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई हम इफेक्टिव ढंग से करेंगे। पुनः शहरवासियों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।